और दोस्तों कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार गाड़ी में टक्कर होने के बाद में थोड़ी सी क्रॉस हो गई थी, जिसके बाद में करण ने बोल दिया था कि चलो मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगा राजवीर, क्योंकि तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं है, तुम्हारा बॉस काट लेगा, जिसके बाद में राजवीर की अच्छी खासी बहस होती हुई नज़र आती है। हालांकि दोस्तों ऋषभ को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय करण को महसूस हो चुका है कि राजवीर जरूर कोई ना कोई हमसे बदला लेने के लिए ज़रूर आया है। इधर बात की जाए तो पलकी की दोस्तों अगले दिन की सगाई है, और ये बात खुद प्रीता और राजवीर को पता चल चुकी है, और जिसके बाद में प्रीता भी हालांकि टेंशन में है। प्रीता ने राजवीर से बोल दिया कि राजवीर चलो हम मंदिर होकर आते हैं, तुम्हारी इतना अच्छा दिन गया है आज जॉब का, जिसके बाद में प्रीता उसके दिल का हाल सुनती हुई नजर आने वाली है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय राजवीर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आखिरकार पलकी से, और पलकी की बात की जाए तो पलकी राजवीर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जिस लड़के से पलकी की सगाई हो रही है वो किसी भी तरीका से पलकी इसको पसंद नहीं करती है, और पलकी ने तो खुद भी बोल दिया है कि मैं किसी को पसंद नहीं करती राजवीर के अलावा। दोस्तों जल्दी ही आखिरकार ये जो सगाई हुई है ये टूटने वाली है, क्योंकि बात की जाए तो वो राजवीर की और उसकी प्राइवेसी एक अलग है, दोनों एक दूसरे के साथ में उस कंफर्ट जोन में नहीं मिलेंगे, और उसके बाद में मंगेतर को गुस्सा है कि वो इस सगाई को तोड़ता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों पलकी ज़्यादातर ही राजवीर के साथ बिजी रहती है, जो कि वो चीज़ उस शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। उस शख्स का मानना यह है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि राजवीर और पलकी के बीच में क्या दिक्कत है, क्या गड़बड़ है, वो जानने की पूरी कोशिश कर रहा है। दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक और नया विषय, नया ट्विस्ट लेकर आ रही है। दोस्तों आने वाली कहानी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें।